या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में जानेंगे माँ सरस्वती के प्रकटोत्सव की कहानी, जो कि कथा किस प्रकार से माता का धरती पर प्रकट हुई थी, उसके पीछे एक विशेष कहानी है जिसको सुनने मात्र से ही मन बेहद खुश हो जाता है। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं और आम के पेड़ों पर बोर आ जाते हैं और हर तरफ तितलियां मंडराने लगती हैं, तब बसंत पंचमी का त्यौहार आता है। हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का त्यौहार विशेष रूप से महत्व रखता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। साथ ही यह दिन पूर्वी भारत में बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां पीले वस्त्र धारण कर पूजा अर्चना करती हैं। पूरे साल का जिन 6 मौसमों में बांटा गया है पूरा साल, उनमें बसंत ऋतु सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी लगती है। साथ ही इस दिन सर्वप्रथम विशेष रूप से मानव तो कुछ पशु पक्षियों का उल्लास से भरने लग जाता है। यूँ तो माँ का पूरा महीना उत्साह देने वाला होता है, पर बसंत पंचमी का पर्व हमारे लिए कुछ खास महत्व रखता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा कर उनसे ज्ञानवान विद्यावान होने की कामना की जाती है। वहीं कलाकारों में इस दिन का एक विशेष महत्व होता है। कवि हो, लेखक हो, गायक हो या नाटककार हो या नृत्यकार, कोई भी अपने वाद्य उपकरणों की पूजा करने के साथ माँ सरस्वती से उत्तम बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वंदन करता है। पूजा विधि सरल है इनकी, जो कि विशेष रूप से फल देने वाली है। बसंत पंचमी में प्रातःकाल उठकर बेसन युक्त तेल का शरीर पर उपटन करके, ऐसा संभव ना हो तो गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करें। इसके बाद पीले या सफ़ेद रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण कर माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही केसर युक्त मीठे चावल, जो कि पीले रंग के हों, तो बहुत आवश्यक हों, और घर में माता को भोग लगाकर अवश्य ग्रहण करना चाहिए। विशेष रूप से यह बेहद फल देने वाला होता है। अब जान लेते हैं इनकी कहानी, जो कि बसंत पंचमी के दिन सुनी जाती है। बोलिए सरस्वती मात की जय। भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना कर डाली। उस रचना को देखने के लिए एक दिन ब्रह्मा जी संसार की ओर भ्रमण कर रहे थे। जब वे संसार में आए तो उन्होंने चारों तरफ देखा कि यह सब जगह सुनसानी सी हो रखी है, बिल्कुल सोना ही सोना है। ना कोई बोलता है, ना कुछ कहता है, ना कोई सुनता है। चारों तरफ एक मुक्ता अशांति सी छाई हुई है, जो कि बेहद ही मन को कष्ट देने वाली है। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा तो वह सोच विचार में पड़ गए। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का। उस जल की कुछ बूंदों के प्रभाव से वृक्षों से एक देवी प्रकट हुई, जिनके हाथ में वीणा लगी हुई थी। उनसे ब्रह्मा जी बोले, तुम अपनी वीणा से सारे संसार की मुक्ता को दूर करो, यानी इस संसार में जो एक अशांति सी, बिल्कुल मन को एक दुखी करने वाली जो सुनसानी छाई हुई है, उसे आप दूर करो। तब देवी ने वीणा बजाकर सबको वीणा प्रदान की। तब से उस देवी का नाम सरस्वती पड़ा और संगीत का आगमन हुआ। कहते हैं संगीत के बिना सब कुछ सोना होता है, तो इस दिन से संगीत का मनुष्य के जीवन में आगमन हुआ। इसी कारण से इस दिन को सरस्वती दिवस के रूप में घरों और कुलों में मनाया जाता है। गुरुकुलों में और देव सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। सरस्वती जी विद्या, आयु और बुद्धि देने वाली है। बोलिए सरस्वती मात की जय। सरस्वती मैया को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और बागदेवी आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की प्रदाता हैं।
संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की भी देवी कही जाती है। साथ ही इस दिन को अबूझ और बेहद शुभ दिन के रूप में माना जाता है। जो मानव जीवन से संबंधित धार्मिक कार्य होते हैं उस दिन करने के लिए बेहद फल देने वाले होते हैं। जिसकी एकाग्रता, बुद्धि से इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी हो, वह जरूर इस दिन पूजन करना चाहिए और साथ ही इस कथा का श्रवण करना चाहिए। माँ सरस्वती, जो कि बुद्धि और बुद्धि की देवी हैं, उनकी आराधना और पूजा करना, व्रत करना बेहद ही फल देने वाला माना जाता है इस दिन। तो आपके जीवन में बसंत पंचमी ढेर सारी खुशियां लेके आए, इसी आशा के साथ राधे राधे।